मैसेजर साहब ने भी मुझे इनक्रेज किया कि मैं यहाँ पे आऊँ, फिर दोस्तों से भी बात हुई, उन्होंने भी इनक्रेज किया। तो ये मेरा पहला दौरा है और बड़ा शॉर्ट दौरा है। मैं कल ही आया हूँ और कल दोपहर को वापस चला जाऊँगा। कि एक ही दुआ है, अल्लाह ताला हम कश्मीर को आज़ाद कराए। लेकिन मीडिया का जो किरदार है वो बहुत मुबहम है। तो वहाँ पे मैं अली गिलानी साहब से मिला, जो आल पार्टी जो है, लेकिन जो हमारे दीगर चैनल्स हैं वो शायद उस तरह नहीं कर रहे। तो ये भी हमें ठीक आपने कहा कि इस पर भी कोशिश होनी चाहिए। किसी मुल्क की, बड़े से बड़ा मुल्क, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, उनकी लॉबिंग कभी कोई सफारतखाना नहीं करता। कोई सफारतखाना, हर सफारतखाने की लिमिटेशंस हैं। एक बंदे को सफीर साहब 3 दफ़ा मिले, चौथी दफ़ा उनकी इंटेलिजेंस उनके पीछे होती है। इंडिया का तसल्लत है, आसमाना कब्जा कश्मीर पर, उसको मान जाते हैं। तो ये भी एक इंडिया की, मैं समझता हूँ, जो थोड़ी सी सुपरमेसी इकतसादी तौर पर मैं लिए उससे लिंक्ड हो गया, डिफेंस और डिप्लोमेटिक भी। और तीसरा फिर आप कह दें कि जो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी का डबल स्टैंडर्ड है, बिलखसूस यूनाइटेड नेशन का। अब हम कहते हैं कि जी हमारे 30 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 को हमारा जो कश्मीर पर रेजोल्यूशन पास हुए थे उन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मेरा जो सवाल है वो ख़ास तौर पे बड़ा, मैं भी टेक्निकल हूँ, ये लोग इतने भी वो कम नहीं है, ये अंडरस्टैंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो मैं भी बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ जब राजा साहब ने मुझे बताया कि आप आ रहे हैं। इंडिया का तसल्लत है, आसमाना कब्जा कश्मीर पर, उसको मान जाते हैं। तो ये भी एक इंडिया की, मैं समझता हूँ, जो थोड़ी सी सुपरमेसी इकतसादी तौर पर मैं लिए उससे लिंक्ड हो गया, डिफेंस और डिप्लोमेटिक भी। और तीसरा फिर आप कह दें कि जो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी का डबल स्टैंडर्ड है,